कार्यालय पे जहाँ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, पनेरा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय नेता जी मौजूद हैं, जो इस वक्त जीत के बहुत ही करीब पे दिख रहे हैं, बहुत ही उत्साह है कार्यालय पे। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले अध्यक्ष जी से उनको कैसा महसूस हो रहा है। अध्यक्ष जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता सौंपने का काम किया है। जनपद में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जनता के भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, आगे भी खड़ी रहेगी। ये जीत जनता की जीत है, समाजवादी पार्टी के लोगों के आतंक पर भारतीय जनता पार्टी। मोदी क्या लगता है? मैं प्रारंभ से ही कह रहा था, महाराजगंज जनपद में भारतीय जनता पार्टी पांच की पांचों सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगी। आप किसको चले देना चाहेंगे? जनता को, कार्यकर्ताओं को। और किसको? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को इसका श्रेय जाता है। आपको क्या लगता था नोटबंदी जो जोर मचाया गया था उसका कुछ फर्क पड़ा लोगों में? बिल्कुल नहीं, जनता ने उसको एक सिरे से नकार दिया, एकदम जवाब दे दिया। अभी हम पनेरा विधानसभा के नेता जी हैं, माननीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, आप यह बताना चाहेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर में ऐसा क्या कारनामा इन्होंने कर दिया कि आज इतने बहुमत से आगे चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार वर्तमान में है, पूर्व में बीएसपी की सरकार रही है। प्रदेश की जनता गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, तमाम जो इनकी कुरीतियां रही हैं उनसे तंग आ करके जनता ने जो विकल्प दिया है भारतीय जनता पार्टी। आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी? ये तो प्रदेश की जनता जो है जो आस लगाए बैठी थी नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे राज्य के अध्यक्ष अमित शाह जी पर, हमारी नीति बनती है, जनहित जनता के लिए बनती है, जनता जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो दिख भी रही है 270 के प्लस बीजेपी जा रही है, और ऐसा पूरा उम्मीद जो था, जो सारे सर्वे आंकड़े कह रहे थे वो कम ही बता रहे थे, लेकिन आंकड़ों ने भी ज्यादा पार कर दिया। जेएनयू टीम के साथ मनोज शर्मा, महाराज।